नमस्कार दोस्तों, ई टेक्नोलॉजी में स्वागत है। अगर आपके पास भी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड अभी तक आपने लिंक नहीं किया तो घर में बैठ के ही कर सकते हैं, किसी भी साइबर कैफे में जाके करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको पूरी कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, किस तरह आप घर में बैठ के आपके मोबाइल फ़ोन हो या फिर कंप्यूटर हो, आप खुद लिंक कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड। और वोटर आईडी कार्ड के कुछ भी अगर करेक्शन करना है, लाइक आपका मोबाइल नंबर लिंक करना है और मेल आईडी आपका अटैच हो जाएगा उसके साथ और भी आपका नाम या फिर आपका DOB डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, आपका रिलेशनशिप फादर नाम आपका वहाँ पे कुछ चेंज करना है, स्पेलिंग के कुछ मिस्टेक है तो चेंज कर सकते हैं, आधार कार्ड की जो मोबाइल नंबर लिंक करना, आधार कार्ड की कुछ एड्रेस चेंज करना, अपडेट करना, सब कुछ मैं कंप्लीट सीरीज लाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पूरी कंप्लीट प्रोसेस वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक करना। अगर आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है तो गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, और अगर आपके पास डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप है तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली टाइप कीजिए nvsp.in। इस साइट पे आएंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, ये नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है। तो यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं लॉगिन और रजिस्टर है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपली। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पेज अपीयर होगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड है एग्जिस्टिंग, तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा डाल के आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेश आपको लॉग इन करना है, तो यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूजर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फिलअप करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है इस मोबाइल नंबर को डाल दीजिए, इस मोबाइल नंबर को डाल दिया, यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे सेंड OTP क्लिक करना है, और सेंड OTP करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे देना है। मैंने ऑलरेडी जनरेट कर लिया, इसीलिए मैं एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो जैसे ही आप OTP डाल के वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद आई हैव ए EPIC नंबर, यहाँ पे ये अभी दिखा रहा है कि हाइड है, लेकिन अब फिलअप कर सकते हैं जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा। तो EPIC नंबर डालना है आपका वोटर कार्ड में जो है, और यहाँ पे मेल आईडी डालना है, रजिस्टर मेल आईडी जो वैलिड मेल आईडी है डाल सकते हैं, और यहाँ पे पासवर्ड देना है आपको, और नीचे है कंफर्म पासवर्ड, और उसके बाद रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही रजिस्टर कर लेंगे, इसके बाद फिर से हम मेन पेज में आएंगे, फिर मेन पेज में आने के बाद यहाँ पे फिर से लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे लॉगिन में आके यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पे यूजर आईडी क्या क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे है एंटर मोबाइल और EPIC नंबर और मेल, किसी को भी आप डाल सकते हैं, और आपने जो पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा आपको डालना है, उसके बाद सिंपली लॉगिन करना है। तो मैं जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ उसको। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसे कुछ डैशबोर्ड आएगा, और यहाँ पे आपको पहला वाला जो ऑप्शन है इलेक्ट्रोस वेरिफिकेशन प्रोग्राम, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चार ऑप्शन मिलेगा आपको, सेल्फ वेरीफाई सेल्फ डिटेल्स, पोलिंग स्टेशन फीडबैक, फैमिली लिस्टिंग एंड ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे है एनरोल्ड मेंबर, 18 साल से ज़्यादा है एनरोल्ड नहीं है तो यहाँ से एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पे पोलिंग स्टेशन फीडबैक है, आपका जो बूथ है वहाँ पे क्या फीडबैक देना चाहता है, एनवायरनमेंट का कैसा है, वहाँ का कैसा हालचाल है, सब कुछ फीडबैक दे सकते हैं। और यहाँ पे फैमिली लिस्टिंग एंड ऑथेंटिकेशन, आपका फैमिली का जो भी मेंबर है 18 साल से ऊपर, यहाँ पे आप एक साथ एक ग्रुप बना सकते हैं इसके अंदर जाके। और यहाँ पे है वेरीफाई सेल्फ डिटेल्स, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई सेल्फ डिटेल्स पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन स्टेटस है, और यहाँ पे नेम है, मैं सिक्योरिटी पर्पस इसको हाइड करके रख रहा हूँ, और यहाँ पे नॉट सबमिटेड, मतलब यहाँ पे सबमिटेड नहीं है आधार, यहाँ इसके साथ अटैच नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्लिक करेंगे वेरीफाई माई डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी वोटर आईडी कार्ड की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, आपका कौन सी पार्ट नंबर है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट, आपका नाम, आपका फादर्स नेम, सब कुछ आ जाएगा, आपका एज। और नीचे की तरफ देख सकते हैं दो ऑप्शन मिलेगा, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले अबव इज करेक्ट, और यहाँ पे नीड्स टू करेक्शन, अगर आपका लगता है कि यहाँ पे कुछ करेक्शन करना चाहिए तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले अबव नीड्स करेक्शन, और नेक्स्ट करके आप उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं।
और पहला वाला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड अबव इज करेक्ट, तो यहाँ पे करेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड, और यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट में ड्रॉप डाउन मेनू में, यहाँ पे देख सकते हैं रेशन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड को लिंक करना है तो आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर पे आपका आधार नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका आधार नंबर है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे चूज फाइल देख सकते हैं, आपके पास जो आधार कार्ड है उसका स्कैन कॉपी या फिर एक फोटो खींच के आप यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो मैं जल्दी से उसको अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के टाइम पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे सिर्फ जेपीईजी फाइल में यानी कि इमेज फाइल में आपको अपलोड करना है आधार कार्ड की जो फोटो है। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा अपलोड हो गया है, यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो सबमिटिंग प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोसेस होने के बाद देख सकते हैं फिर से मेरे पहला वाला पेज में आ गया, और यहाँ पे वेरीफाई स्टेटस में यहाँ पे जहाँ पे आपको दिखा रहे हैं नॉट सबमिटेड, यहाँ पे आपको एक यहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो वेरीफिकेशन और आपका आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी कार्ड लिंक सबमिटेड हो चुका है। यहाँ पे नॉट सबमिटेड के जगह आपको दिखाई देगा सबमिटेड। इस पेज को रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन स्टेटस में दिखा रहा है सबमिटेड, यानी कि हमारा जो वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक करना कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। तो फिर से हम एक बार होम पेज में जाते हैं, और होम पेज में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, माइग्रेशन टू अनदर प्लेस, करेक्शन पर्सनल डिटेल्स, डिलीशन ऑफ एनरोलमेंट, फैमिली एंड सेल्फ। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो के बारे में कोई भी आपका कमेंट करना चाहते हैं तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहाँ पे हम डैशबोर्ड में जाके देख सकते हैं एक बार सेल्फ वेरिफिकेशन डन यस हो दिखा रहा है, फैमिली ग्रुपिंग डन नो, पोलिंग स्टेशन फीडबैक सबमिटेड नो। तो इस दोनों के ऊपर भी मैं एक बार वीडियो बना दूंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग और ऑनलाइन वर्क रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।